हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने गार्डन में खूब मज़े करते होंगे और बहुत पौधे लगाते होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, आपने देख ही लिया होगा टाइटल में कि आज मैं सब्जी लगाना चाहती हूँ। और हम अपने गार्डन में प्लांट्स और फ्लावर और बहुत कुछ लगाते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने गार्डन में सब्जियों को भी इन्वॉल्व करें तो क्या ही अच्छी बात होगी। तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, और ये देखिए मेरे सामने ये पैकेट हैं और इसको मैंने मार्केट से लाई हूँ। मैं जो है धनिया पत्ती लगाऊंगी और टमाटर लगाऊंगी, और ये लाल भाजी है, और ये जो दिख रहा है ये मैंने अपने घर के किचन से, मुझे मिर्ची नहीं मिला तो मैं सूखी मिर्ची जो थी उसी को मैंने, उसके सीड को कलेक्ट किया हुआ है, तो मिर्ची भी मैं इसको इन्वॉल्व करूंगी इसमें। तो आप देख सकते हैं मैंने सॉइल जो है तैयार कर लिया है, और सब्जियों का सॉइल कैसा होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो गार्डन सॉइल नॉर्मली मैंने लिया हुआ है, प्लस बलुआई मिट्टी होनी चाहिए। जब भी आप सब्जी लगाते हैं अपने गार्डन में तो उसकी मिट्टी थोड़ी दोमट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पर बलुआई मिट्टी होनी चाहिए। और अगर आप अपने टेरेस में या बालकनी में लगा रहे हैं तो आपको मिट्टी खुद बनानी पड़ेगी। जैसे गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है मैंने लिया हुआ है 50%, 30% आपको रेत दिख रहा होगा, रेत है, आगे कंपोस्ट जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, वर्मी कंपोस्ट जो मैंने पिछले समय, ये पैकेट देख सकते हैं ब्लू कलर का, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो वर्मी कंपोस्ट मैं डाल रही हूँ इसमें, और ये काऊ डंग डाल रही हूँ। ये भी देखिए, ये मैन्योर जो मैंने आपको शेयर किया था, तीन जो है बॉक्स में आए हुए थे खाद, तो ये मैं डाल रही हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो है कोकोपीट, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीडलिंग ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो कोकोपीट डालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है सॉइल मिक्सचर मैंने तैयार किया है। जब भी आप सब्ज़ी लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट की खाद को ज़रूर से डालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम इन सब मिक्सचर को मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, ये ग्रो बैग मैंने अमेज़ॉन से लिया था, स्पेशली सब्ज़ी लेने के लिए ही मैंने ख़रीदा है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को भेज दूंगी। 560 रुपीज़ का मुझे ये 18x8 इंच मुझे मिला हुआ है, तो इसी में मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं। आज मैं अपने गार्डन में सब्ज़ी को भी इन्वॉल्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है ये टमाटर का जो पैकेट है इसको मैं अपने मार्केट से लेके आई हूँ, और ये मुझे 24 रुपीज़ का पड़ा। और चलिए हम इसको अपने ग्रो बैग में लगा देते हैं, इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए जो बीज है को हम लोग ग्रो बैग में डालेंगे। जब भी आप डालें ऐसे रो करेंगे, ऐसे हम खींच लेंगे लाइन, और यहाँ पे हम अपने बीज को डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से
आधा मैं बचा के रखूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीज है, यहाँ तक बीज है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये और काम आएगा। अभी फिलहाल हम इतना जो है लगा लेंगे, और जब आप ऐसे लगा लेते हैं तो ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी को ढक देंगे। देखिए ये बीज आपका दिखना नहीं चाहिए, आप ऐसे मिट्टी ढक देंगे। तो इसमें मैंने टमाटर लगाया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम धनिया और मिर्ची साथ में लगाएंगे, तो ये भी मुझे 24 रुपीज का पड़ा, ये मैंने सब्जी वाले मार्केट से लिया हुआ है। तो भी हम लोग कट करेंगे, और ये देखिए ये धनिया है, और ये जो है वेजिटेबल वाला धनिया है, ये अब तो दुकान का धनिया नहीं है। तो जब भी आप धनिया लगाएं, आप अपने सब्जी मार्केट से या जहाँ पे भी आपका बीज मिलता है वहाँ से ही लें। दुकान वाला धनिया फ्रेंड्स वो खाने वाला होता है, उसमें सीड ग्रोथ नहीं होता है, मैंने ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं इस बार सब्जी वाले मंडी से बीज ले आई हूँ। और ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे ऊपर से। धनिया को मैं पूरा डाल दूंगी। नेक्स्ट हम लाल भाजी हम डालेंगे इसका सीड, और ये देखिए ये इसका सीड है, और इसको हम लोग ग्रो बैग में डालेंगे। ये सब जरूरत की चीज़ें हैं, और जब हमें काम पड़ता है, जब हमें ज़रूरत पड़ता है, तब ना हमारे घर में धनिया पत्ती होती है, ना मिर्ची होती है, और ना टमाटर, तो फिर हम सब्जी वाला को देखते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने गार्डन में ये छोटी मोटी चीज़ें लगा दें तो फिर कितना अच्छा होगा, कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सब्जी वाले का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये लाल भाजी का सीडलिंग मैंने लगा दिया, अब इसको भी मैं ढक दूंगी, और एक लेयर मैं कोकोपीट का यहाँ दिखाऊंगी ताकि उनको धूप का आंच ना आए। और जैसे आप मिर्ची देख रहे हैं तो इसको मैं बीच बीच में डाल दूंगी, हमारा मिर्ची भी जो है ग्रो हो जाए। एक यहाँ मैंने डाला और एक यहाँ पे, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो इसमें कितना जर्मिनेट होगा ये भी हमें नहीं पता, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ, और एक लेयर मैं यहाँ कोकोपीट का बिछा दूंगी, तो हमारा ये जो सीड है वो दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने घर में किचन गार्डन और ऐसा ग्रो कर सकते हैं, और समय आने पर आप जब अपने गार्डन का खाएंगे तो इसका बात ही कुछ और होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे जो है हम सब्जियां लगा सकते हैं। अब इसमें एक लेयर मैं कोकोपीट का डाल दूंगी, हम लोग कोकोपीट का एक लेयर हम कोकोपीट का बिछा देंगे। देखिए ताकि हमारा सीड जो है दब जाए, ये मैं सीड को दबा रही हूँ।
जब भी आप सीड लगाते हैं थोड़ा दबा दीजिए ऐसे, इस तरीके से आपको दबाना है। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तरीके से हम वॉटरिंग करेंगे और देखिए हमारा पानी जो है वेल ड्रेन, हमारा सॉइल है और हमारा ग्रो बैग भी बहुत ही अच्छे से पानी छोड़ दिया है। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने गार्डन में किचन गार्डन बना सकते हैं। और मैंने भी अपने गार्डन में जो है इन्वॉल्व किया सब्जियों को। और ये देखिए ये पानी बह रहा है, मतलब ग्रो बैग ने पानी को रखा नहीं है, छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए पानी। और अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि कब ये अंकुरित हो और उसका भी अपडेट मैं आपको ज़रूर से दूंगी। सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हमें भी हर गार्डनर को अपने किचन में अपने गार्डन में किचन आइटम इन्वॉल्व करना चाहिए। और बहुत ही खुशी होती है जब हम इसे तोड़कर हार्वेस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। और ये प्योर है जो आप अपने गार्डन से तोड़ के खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।